हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल देसी बॉयज इन इटली। तो कैसे हो आप लोग? तो बस ये एक न्यू वीडियो के लिए शूट करने के लिए रेडी थे, जॉब जा रहे हैं, तो उसके लिए सोचा कि आपके लिए वीडियो शूट कर देते हैं। तो आई होप, और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, मेरा नाम बॉबी सिंह है। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, सबका स्वागत है। और मेरा नाम बॉबी सिंह है और मैं इटली रोम में हूँ और अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ, टूरिज्म स्ट्रैटेजी में कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ तोरबरगाता से कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो आज का अकोमोडेशन है, इतने सारे डीएम आए हुए हैं मेरे को कि हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन इटली। अकोमोडेशन कैसे ढूंढें भाई, अकोमोडेशन दिलवा दो। सबसे पहली बात तो कि कहते हैं कि इटली में ना अकोमोडेशन ढूंढना भगवान ढूंढने वाली बात है यार। देखो ऑनेस्टली बताता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बनाते हैं वीडियो कि ऐसे मिल जाएगा वैसे मिल जाएगा, भाई कैसे भी नहीं मिलता यार। जो लोग यहाँ पे आ गए हैं ना, उनका भी अगर मैं तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ ना, तो उन्होंने भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको घर ही नहीं मिल रहा। क्यों? खास करके कैपिटल सिटीज़ में, जैसे कि मिलान हो गया, रोम हो गया, ट्यूरिन हो गया, इन जगह पे थोड़ी डिफ़िकल्टीज है घर ढूंढने में। क्यों? पॉपुलेशन ज़्यादा है, घर कम है और लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लोगों को चाहिए प्राइवेसी, चाहिए सिंगल रूम, चाहिए सिंगल रूम तो वैसे ही नहीं मिल रहा यार। मिल भी रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है, 600 यूरो से 700 यूरो, तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है ना। तो ये वीडियो में मैं ये हेल्प करूँगा कि आपको टैकल्स बता देता हूँ कि कैसे ढूंढ सकते हो आप घर। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को पता लग सके कि क्या सीन है, ठीक है। तो पहले आप देख लो, मैं इस टाइम चिनाचित्ता पे खड़ा हूँ, रोम में एक मेट्रो स्टॉप है चिनाचित्ता, जो काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पे खड़ा हूँ। यहीं से मेट्रो पकड़ूंगा, देख सकते हो ये मेट्रो स्टॉप है, तो यहीं से मेट्रो लेनी है मेरे को और सीधा जॉब के लिए निकल जाना है। तो जॉब से पहले मैंने सोचा वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। देखो पहली चीज़ ये है जो मेरे को लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फेसबुक मार्केट। आप फेसबुक मार्केट पे जाओ, लोकेशन रोम डालो अपनी, आपकी लोकेशन रोम ही होगी, उसमें जाके चेक करो, आपको काफ़ी सारे उसमें ऑप्शंस मिल जाएंगे घर के, घर ढूंढ सकते हो। और जो दूसरी चीज़ है ना, जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, वो भी कर सकते हो, आप ग्रुप्स में ऐड हो सकते हो। फेसबुक पे काफ़ी सारे ग्रुप हैं, जैसे आप आ रहे हो रोम तो इसमें लिख सकते हो इंडियंस इन रोम, इंडियंस इन इटली, इंडियंस इन ट्यूरिन में भी है, हर तरह के ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको। आप फेसबुक पे जाओगे ना तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जाके उसमें भी चेक कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में ऐड हो सकते हो, उसमें कुछ इंडियंस होते हैं उसमें ऐड हो सकते हो, और कुछ इंडियंस आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन्होंने पर्टिकुलर ग्रुप बनाया होता है, आप उसमें ऐड हो सकते हो, ठीक है। और वो भी ज़रूर, उसमें भी ऐड होके आप देख सकते हो रूम का, पूछ सकते हो। देखो मोस्टली क्या होता है कि फ्रेंड्स के थ्रू ही घर मिल जाता है, कोई इतना इशू नहीं आता, जो फ्रेंड्स होते हैं ना उनके थ्रू ही घर मिल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, कि जो फ्रेंड्स होते हैं ना, अगर आपके फ्रेंड्स बने होंगे इंडिया से ही बने होंगे, जो आपसे पहले आ गए हैं, जिनसे आपका बॉन्ड है, तो आप उनसे भी एक प्रेम प्यार बनाओ और उनसे भी बात करके रखो, वो भी आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, जैसे कि कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, लोग उससे भी चेक करते हैं, लेकिन कोशिश ये है कि उसमें आपको यहाँ आके पैसे पे करने हैं, ऑनलाइन पैसे पे करके मतलब फंसना मत, क्योंकि बहुत सारे स्कैम हैं इन चीज़ों में। और मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी बंदा जो मेरी वीडियो देखता है गलत मैसेज ले और स्कैम में फंस जाए, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कुछ हैं जैसे आइडियल लिस्टा है, सुबितो है, और भी कुछ हैं जो आपको घर ढूंढने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑनलाइन पैसे नहीं पे करने, अगर ऑनलाइन पे करोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपके पैसे फंसे तो समझ लो मेरे पैसे फंसे यार। तो भाइयों के पैसे फंस गए तो फैमिली की बात आ गई ना, तो फैमिली में किसी के भी पैसे नहीं फंसने चाहिए, क्योंकि सब मेहनत से कमा रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। हमने तो कोशिश करो कि ऑनलाइन नहीं करने पैसे पे, यहाँ के करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे रीजन्स में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में ही स्कॉलरशिप मिल जाती है, जैसे कि मैं अकोमोडेशन मिल जाती है, जो स्कॉलरशिप वाली होती है उसमें मिल जाती है अकोमोडेशन, बहुत से रीजन्स में नहीं मिलती, जैसे कि मिलान है, रोम है, इसमें क्या है सेकेंड ईयर में मिलती है, फर्स्ट ईयर में मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बट बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ फर्स्ट ईयर में मिल जाती है, लेकिन आते ही नहीं मिलेगी, एटलीस्ट 3-4 महीने आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। अब 3-4 महीने अगर वेट करोगे तो उसका मतलब आपको 3-4 महीने के लिए तो अकोमोडेशन चाहिए, सड़क पे तो अपन सोने से रहे, है ना। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना। तो अब क्या सीन है कि आप कोशिश करो कि स्टार्टिंग के 20 डेज़ या 25 डेज़ के लिए हॉस्टल, BnB ये बुक करके आओ इनिशियल डेज़ के लिए, कि आते ही आपको घर ढूंढने ना मिलता हो तो प्रॉब्लम ना हो, अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड है। अब मिलेगा कैसे, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेंड्स के थ्रू, अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में ऐड हो जाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप ऐड होके इजीली बना सकते, ये मेन चीज़ें हैं। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, ग्रुप्स में ऐड हो जाओ, जैसे टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, फेसबुक पे ग्रुप्स मिल जाएंगे,
और भी कुछ है, जैसे आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू किसी ग्रुप में इसको यूनिवर्सिटी के ग्रुप में ऐड हो सकते हो, फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स से बात करो, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो पास आउट हो रहे हैं, जो अपनी अकोमोडेशन चेंज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब, तो उनसे बात करो, और अपने जितने ज़्यादा दोस्तों से बात करोगे उतना जेन्युइन होगा और उतने पैसे फंसने के चांसेस कम होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है गाइस? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हम बैठे हैं बस यार, मेरा टाइम हो रहा है जॉब का, तो आई होप इतनी ही वीडियो बना पाएंगे, इससे ज़्यादा बनेगी भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है मेन मेन चीज़ें मैंने बता दी आपको, और इसके अलावा अगर कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो यार, मैं आपको बता दूंगा क्या सीन है। तो मेन यही है, ठीक है? जब भी आ रहे हो तो भी 20 डेज़ के लिए बुक करके आओ, हॉस्टल B&B ये सब देख के। अगर कैपिटल सिटी में आ रहे हो तो ईजिली मिल जाएगी, अगर थोड़े आउटर में जा रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है पर मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी लोग होते हैं जो अपने घर को कुछ दिनों के लिए सेल करते हैं, कुछ दिनों के लिए अकोमोडेट कर देते हैं, तो डिपेंड करता है वो कितना चार्ज करते हैं आपको, ठीक है? तो अब डिपेंड सिटी टू सिटी आपको चार्ज करेगा, जितने भी अगर आप कैपिटल सिटी में आ रहे हो, सेंटर में रहोगे तो 700 भी पड़ सकता है रूम का, सिंगल रूम का, शेयरिंग में 300-400 भी हो सकता है शेयरिंग में, तो अगर आप किसी आउटर में रह रहे हो तो आप 200 में भी एडजस्ट हो सकते हो, तो डिपेंड करता है, ठीक है? तो मेरी सजेशन यही रहती है कि स्टार्टिंग डेज में जितना पैसा बचा लो उतना बेटर है, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में अगर हाथ खुला रहता है तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में पैसे लगते हैं और भी चीज़ों में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी जल्दी 800 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, और कर दो फटाफट, और जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।